इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। मुल्क के बदलते हालात, मुसलमान जिस तरह से एक इम्तिहान के दौर से गुजरा है कि हर रोज़ कोई ना कोई वाकया रोनुमा होता है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें चली जाती हैं, कभी जय श्री राम के नाम पर बेगुनाहों का कत्लेआम किया जाता है, तो कभी तीन तलाक, कभी शरीयत में दखल अंदाजी। एक और मामला पेश आया है कि ताजुश शरिया का जो उर्स इस्लामी ग्राउंड में जो होता आया है बरेली में, बरेली शरीफ में, अब उसकी उस उर्स शरीफ के जलसे को रद्द किया गया हुकूमत की जानिब से। सिर्फ कुछ फिरका परस्त हिंदुत्ववादी तंजीमों के मुतालबे पर हुकूमत ने इतना बड़ा फैसला लिया। कई सारे मुसलमान इससे नाराज़ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बेलगाम शहर के एक मारूफ हस्ती मुफ्ती मंजूर अहमद मिसबाही साहब, बेलगाम शहर के काजी, ये शरीयत भी है, तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जो मौजूदा हालात मुल्क भर में हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए मुसलमानों पे, जो हालात रोज़ाना कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से ये फिरका परश, ये शिद्दत पसंद तंजीमें, शर्पन पसंद अनासिर मुसलमानों पर कहर ढाने में कोई मौका भी छोड़ना नहीं चाहते, लिहाजा इसके लिए हमारे पास क्या रद्द अमल होगा, मुसलमानों को क्या करना चाहिए, और जिस तरह से जो बरेली शरीफ का एक मामला सामने आया है उस पर वो हमसे अपने ख्यालात को वो शेयर करेंगे, हम उनसे सवाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बताइए कि इस दौर में जो जितने भी सवाल, मैंने कई सारे सवाल एक सवाल में कई सारे सवाल पूछे हैं, इसके बारे में आप बताएं। नहमदुहू नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद। जनाब मोहतरम इकबाल ज़काती साहब ने कुछ अहम मसाइल की जानिब अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में आपने इशारा फरमाया। यकीनन ये सारे हालात मुल्क के जो कुछ हैं कौम के सामने है, पूरे मुल्क के सामने है कि रोज़ाना कहीं गाव तस्करी के नाम पर, कहीं दूसरे मजहबी मामलात को लेकर, कभी तीन तलाक को लेकर, कभी इस सिलसिले में के दिगर मुस्लिम मसाइल को लेकर रोज़ाना कहीं मुस्लिम कौम पर, कहीं मुस्लिम दस्तूर पर, कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ पर आए दिन मौजूदा हुकूमत की तरफ से या हुकूमत की उन इदारों की तरफ से जिनको हुकूमत की पुष्ट पनाही हासिल है, या ऐसे शर पसंद अनासिर की तरफ से जो शुरू ही से मुस्लिम मुखालिफ रहे हैं, उनकी तरफ से आए दिन हम ना कुछ इस तरह की शरारत हम देखते आए हैं, सुनते आए हैं। यकीनन ये सारे मसाइल अपनी जगह पर इंतहाई तशवीशनाक है। माजी करीब में तबरेज अंसारी के मामले को लेकर आज पूरे मुल्क भर में मुसलमान सरापा एहतजाज बने हुए हैं, और उसका रद्द अमल हुकूमत की तरफ से देख रहे हैं कि पूरे मुल्क की मुस्लिम कम्युनिटी रोड पे आकर और दिगर जराए से चीख पुकार करके अपने एहतजाज दर्ज कराने में मसरूफ़ है, लेकिन कहीं से भी हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि हमारी इन चीख पुकार का कुछ असर गवर्नमेंट पर हो। तो साफ मतलब इन चीज़ों का वाज़े है कि हमारा एक मुनज़्ज़म प्रोग्राम है, उस पर हम प्रोग्राम पर अमल करते रहेंगे, चाहे मुल्क की अकलियत मुस्लिम कुछ भी कहे, उसका रद्द अमल कुछ भी हो। यकीनन ये कौम के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए एक इंतहाई लम्हा फिक्रिया है, और मौजूदा हालात में एक जो तब्दीली हमें सियासी तौर पर भी मुल्क की नज़र आ रही है कि इस इलेक्शन 2024
19 के इलेक्शन में जिस तरह से सेकुलर जमातों की शिकस्त हुई है, उसके बाद हमें कुछ नज़र आ रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते ये जमातें मुसलमानों के मामले में खुलकर कुछ बोलने से गुरेज करती हैं, या तो अपने रद्दे अमल और अपने आमाल के ज़रिए, अपनी कुछ एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो ये साबित नहीं करना चाहती कि हम मुसलमानों के करीब हैं या हमदर्द हैं। तो यकीनन ये भी आज तक मुसलमान जिन सियासी जमातों को अपनी जमात समझकर हर हाल में हम उनके सपोर्ट करते आए, उनकी हिमायत करते आए, लेकिन अब बज़ाहिर हमें लग रहा है कि ये जमातें भी आहिस्ते आहिस्ते अपने वजूद को बचाने के खातिर हमसे दूरी बनाने में लगी हुई है। तो यकीनन मुल्क की इन हालात में मुसलमानों के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है, हमें सोचना है मुसलमानों के मुस्लिम लीडरशिप को, उलमा को, दानिश्वरों को और यकीनन अहले इल्म को कि इन हालात में मुसलमानों का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि इस सिलसिले में कोई बड़ा कदम उठाया जाए और हम सर जोड़कर बैठें और कौम के लिए कोई लायामल पेश करें। यकीनन ये वक्त आ गया है कि हम इस तरह का कोई फैसला लें। अब मौजूदा हालात में अब बहुत से मसाइल हैं जहां मुस्लिम कौम परेशान है, उन्हीं में से एक ताज़ा वाकया यूपी हुकूमत की तरफ से एक अहम फैसले में यूपी हुकूमत ने हुजूर ताजु शरिया अल्लाम अख्तर रज़ा खान अजहरी कादरी, जो आलम इस्लाम की एक इंतहाई अबकरी शख्सियत है, खानवादे आला हजरत के चश्मो चराग हैं, पूरी दुनिया में जिनके लाखों में नहीं करोड़ों में मुरीदीन फैले हुए हैं, है ना, और जिन पर हमारे मुल्क को भी फख्र हासिल था कि सारी दुनिया के लोग आपकी इमामत, क़यादत और एक रूहानी पेशवा की हैसियत से आप का एहतराम करती आई है। गुज़श्ता 20 जुलाई सन 2018 को आपका इंतकाल हुआ। आपके जनाजे में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2 से 3 करोड़ लोगों ने शिरकत फरमाई, जो यकीनन सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं बल्कि आलमी लेवल पर एक रिकॉर्ड है। आपकी शख्सियत को सब ने सलाम किया। ये आपका उर्स पाक पहला उर्स, सालाना उर्स 9-10 जुलाई को तय पाया है और जिसकी तशहीर करीब 6 महीने से जारी है। हमने खुद अपनी निगाहों से देखा कि खुद वहाँ के DM ने और आला हुकाम ने उर्स कमेटी के साथ मुतअद्दिद मीटिंगें ली, इंतजाम का जायजा लिया गया। उसके बावजूद अचानक क्या हो गया कि चंद दिन पहले चंद शिद्दत पसंद अनासिर विश्व हिंदू परिषद के कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और उनकी तरफ से गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम दिया जाता है कि इस्लामिया ग्राउंड में इस उर्स की तकरीब के इजाजत को मनसूख कर दिया जाए। बस इतना मौका मिलना ही था, एक बहाना मिलते ही यूपी गवर्नमेंट ने और बरेली के DM ने उस इजाजतनामा को, उस परमिशन को कैंसिल कर दिया, जबकि इन्होंने ये भी नहीं देखा कि बाज़ाब्ता उनकी इजाजत के बाद उर्स की तकरीबात का ऐलान किया गया है। मुतअद्दिद मीटिंगें हो चुकी हैं, दुनिया भर के 60 से ज्यादा ममालिक के हुजूर ताजु शरिया के खुलाफा, मुरीदीन, मुतवसलीन, उलमा, मशाइख, दुनिया भर के 60 से ज्यादा मुल्कों के मेहमानान बरेली शरीफ तशरीफ ला रहे हैं और अचानक चंद शिद्दत पसंद, शर पसंद अनासिर के दबाव में आकर हुकूमत उत्तर प्रदेश परमिशन को कैंसिल करती है। तो यकीनन जबकि इस्लामिया का ग्राउंड वो है कि जहां साल हा साल से आला हजरत के उर्स की तकरीबात, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के उर्स की तकरीबात और खुद साले गुज़श्ता हुजूर ताजु शरिया के नमाज जनाजा और आपका उर्स चहलुम उसी ग्राउंड में मंगाया गया और खानवादा रजविया के तकरीबन तकरीबात उसी इस्लामिया ग्राउंड ही में मनाए जाते आए हैं। और इस सिलसिले में ये भी मैं वाजह कर देना चाहता हूँ कि बरेली की आबादी चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, खानवादा रिजविया के हमेशा से वो लोग एहतराम करते आए हैं। खुद गुज़श्ता साल हमने देखा कि हुजूर ताजु शरिया का इंतकाल हुआ और तीसरे दिन नमाज जनाजा अदा की गई। 3 दिन तक बरेली के बिला तफरीक मजहब व मिल्लत हर कौम के लोगों ने अपने कारोबार,
दफातिर को बंद रखे, और सिर्फ बंद नहीं रखे बल्कि हमने वहां अल्हम्दुलिल्लाह देखा अपनी आंखों से कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेहमानों के खातिर तवाज़ों में लगे हुए थे, और सबको सदमा था कि हमारे मुल्क का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के आलम इस्लाम की एक अजीम शख्सियत हमसे रुखसत हो गई, और सब इस गम में सबके सब शरीक थे। अचानक इस तरह का गवर्नमेंट का फैसला यकीनन अफसोसनाक है, और यकीनन इस तरह के फैसले की हम हर तरह से मजम्मत भी करते हैं और हम गुजारिश भी करेंगे आखिर में यूपी की गवर्नमेंट से कि अपने फैसले पर नजरसानी करे और मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ ना करे बल्कि उनके जज्बात और मोहब्बत का एहतराम करे, और बिला ताखीर हुकूमत उत्तर प्रदेश इस्लामिया ग्राउंड ही में हुजूर ताजु शरिया के पहले उर्से की तकरीबात के लिए बिला शर्त और कंडीशन फौरन इजाजत फराहम करें। एक आखिरी सवाल मौलाना, जिस तरह की मुफ्ती साहब कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क के सियासी तगैरात जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं, एक मुसलमानों को जिस तरह से आइसोलेट करके पूरा एक हिंदुत्व का एक तस्वीर खड़ी कर दी जा रही है, और एक अक्सरियत तबका एक तरफ जा रहा है, और मुसलमानों को जिस तरह से दूर करने की एक साजिश में एक हद तक वो कामयाब भी हो चुके हैं, तो ऐसे हाल में मुसलमानों का क्या रद्द अमल होना चाहिए? मैंने इससे पहले भी बताया कि यकीनन आज़ादी के बाद पहली बार मुसलमानों को एहसास हो चला है कि चाहे आज़ादी के नाम पर हो या आज़ादी के बाद की हो, जब भी मौका आया है किसी तरह की कुर्बानियों से, किसी तरह की कुर्बानी से हमारे उलमा मशाइख हमारे अकाबिर ने कभी अपने आप को पीछे नहीं रखा। आज पहली बार हमें एहसास होने लगा है कि सब कुछ करने के बावजूद क्या ये वतन हमारा नहीं, जिसको हम वतन समझते आए हैं, जो हमारा अपना वतन है जिसके हर एक जर्रे जर्रे में हमारी कुर्बानियों का और हमारा खून शामिल है, यकीनन मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। इस सिलसिले में अव्वलन कुछ भी हो जाए मुसलमानों को अपने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, मुसलमानों को हमारी जो इस्लामी रवादारी है उसका मुजाहरा करना चाहिए, और साथ साथ हमें अपने इत्तेफाक व इत्तेहाद का सबूत भी फराहम करना चाहिए, और जो हमारे जमहूरी हक है एहतजाज करना आना अपने हकूक के लिए एहतजाज करना वह हमारा अपना हक है, हम अपने हक के लिए अखीर दम तक हम एहतजाज करते रहें कानून के दायरे में रह के। और हाँ, ये भी वक्त आ गया है कि इस अहम मामले के लिए हमारी कौम के मुफक्किरीन दानिश्वर उलमा खानकाही अकाबिर भी सर जोड़ कर बैठें, और इस सिलसिले में जो भी मुआसिर लाए अमल हो उसको तैयार करने के बाद कौम के सामने कोई मुआसिर लाए अमल तैयार करें। यकीनन ये आज वक्त का एक अहम तकाजा है कि हम इस अहम मसले पर इनफरादी राय के बजाय इज्तमाई हम मुआसिर किसी कदम को उठाने के लिए हम सब गामजन हो जाएं और सिलसिले में सर जोड़कर बैठे और कोशिशें करें। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मंजूर अहमद मिसबाही साहब ने हमारे सामने वाज़े अंदाज में तमाम बातों को साफ साफ कर दिया है कि मुसलमानों को इस नाजुक दौर में किस तरह से मुत्तहिद होकर इत्तेहाद का दामन थाम कर सरों को जोड़कर एक नतीजे पर आए ताकि इस नाजुक मरहला भी हमारे से रुखसत हो जाए और फिर से वो दिन वापस आ जाए जिसके हम तमन्ना व तवक्कु करते हैं। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।